व्यासाय नमः। स्वस्ति तुमको शाम बुलाओ।
Bye.
तेजो वारवदाम यथा मिन्मयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वयं सदा निरस्त कुहकम् सत्यं परं धीमहि। जिस वक्त वेद व्यास जी ने तब इसका लय भी कर देता है अपने संकल्प से ब्रह्मा जी के ज्ञान का विस्तार किया अर्थात ब्रह्मा जी के वेदों को ज्ञान दिया। आदि कवि ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान देकर के मोहयंत यत सुर है जिसके संबंध में बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं। कभी कभी हम सड़क के किनारे चलते हैं और सड़क के किनारे में कहीं जल भरा हो उसमें सूर्य की किरण अगर पड़ती है तो मैं ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य नीचे की तरफ आ गया है। सूर्य का प्रकाश कभी जल में कभी जल का थल में हमें ऐसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार ये दुनिया ये जग हमें सत्य दिखाई देता है लेकिन सब झूठा है क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है तब वो सच कहाँ चला जाता है क्योंकि मृत्यु तो हमारी होनी होनी है। और व्यक्ति इस मोह में जीता है कि जो कुछ है वो संसार है सिर्फ दिखाई दे रहा है ये संसार इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हुए परम ब्रह्म महामुनि व्यास जी द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण मोच पर्यंत ही हमें कामना रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। मरने के बाद भी हमें मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा से ही प्राप्त हो सकती है। बहुत लोग क्योंकि मन में शंका होती है अंधविश्वासी होते हैं क्या आज के समय में कौन आज के समय में बच्चे भी ये कहते हैं व्हाट इज रामायण रामायण क्या है गीता क्या है श्रीमद् भागवत कथा क्या है क्योंकि आज की जनरेशन सीबीएसई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म ग्रंथ क्या है। मुसलमान के बच्चों से पूछोगे पांच वक्त की नमाज कौन सी होती है वो आपको सब बता देंगे लेकिन हिंदू धर्म के बच्चों को पूछिए कि हमारे वेद क्या है तो वो कभी बता नहीं पाते और तो और उनको पैर छूने में भी शर्म आती है जबकि पैर छूने से न जाने हमें कौन सी ऐसी बला है जो पैर छूने से किसी के मुख से निकली हुई दुआ हमारे काम आ जाती है। तो हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति में हमें अपने बच्चों को अपनी संतान को जब YouTube पे आज की जो नई नवेली बहुएं हैं YouTube पे बच्चों को कार्टून चला के बिठा देती हैं और काम करती हैं उसकी बजाय कुछ अच्छी नॉलेज की चीजें उनको सिखलाएं कुछ अपने धर्म के बारे में सिखलाएं क्योंकि इसी वजह से आज ये बच्चे दादी और बाबा के प्यार से वंचित होते हैं क्योंकि हर कोई एक अपना परिवार चाहता कोई परिवार के साथ रहना नहीं चाहता शादी होते ही उन्हें स्वतंत्र छूट दे दो जेठ जठानी का झंझट नहीं होना चाहिए सास ससुर का झंझट नहीं खाने पीने की कोई सेवा नहीं होनी चाहिए जो है वो सिर्फ मैं मेरी पत्नी मेरे बच्चे इसके अलावा और उनके जीवन में चाहते ही नहीं है वो। लेकिन भगवान ने ये कहा था कलयुग आएगा तो एक से एक भामाशाह ऐसे होंगे जो वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम पहले ही खोल रखे हैं। समस्या से पहले समाधान प्रभु ने पहले ही रच दिया है। तो हमें ये इन चीजों पर ध्यान क्योंकि सभी सोशल वर्कर हैं तो इन चीजों पर भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने धर्म की जो बातें हैं बच्चों को पता चलनी चाहिए। इसमें
व्यास जी ने निरूपण किया है सत्य स्वरूप का, वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों को हरने वाला है, जड़ से विनाश करने वाला है, परम कल्याण देने वाला है, और किसी साधन का शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं। जिस समय सुप्त पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करता है, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर के बंदी हो जाता है। जिस प्रकार कैद खाने में कैदी होता है और कैदी को समय के हिसाब से निकाल दिया जाता है, लेकिन परमात्मा कहता है कि मैं तेरे हृदय में समाहित हो गया हूँ, जब तक तेरी इच्छा हो मुझे अपने हृदय में रख सकते हो। भगवान तो भक्त के बस में है। उसे धन दौलत माया से, आपके 56 भोग से कोई जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ भाव का भूखा है कि तेरा भाव क्या है। वो ना अमीरी देखता है और ना गरीबी देखता है। व्यास जी ने बड़े चतुराई से इसका भागवत कथा का निरूपण किया। धर्म प्रोजित कपट संत है, उनके मन में जरा भी कपट नहीं है। निष्कपट जिसको न फ्लैट चाहिए, न गाड़ी चाहिए और ना ही धन की आवश्यकता है, ऐसा श्री कृष्ण का भक्त विरलई होते हैं। जहाँ भगवान की भक्ति का रसपान होता है, वहीं पर विराजमान हो जाते हैं। और जो रसिक होते हैं, उनको कितनी भी दूर कथा हो रही हो, लेकिन सुनने के लिए जरूर जाते हैं। उन्हें यही अच्छा लगता है। रात दिन सुख दुख भक्त कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए तो भूख हो जाती है भगवान के नाम की। तब वेद व्यास जी ने कहा कि निगम ऐसा परफेक्ट फल है जिसमें ना गुठली है ना जिसमें छिलका है। तो महाराज ये फल कैसे प्राप्त हुआ, कहीं ये टूटा फटा नहीं, कहीं गिरा नहीं। तब उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने इस फल को नारद को दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है 4 श्लोकों में नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने सुखदेव को दिया, सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। और गिरेगा कैसे, एक डाली से आता हुआ परीक्षित महाराज का स्वर्ण पान कराया, और श्रीमद् भागवत रूपी रस जितना भी पिया जाए उतना कम है, क्योंकि भैया ठेका पे जाके सभी पीते हैं। कभी भगवान के सामने में आकर के पी के तो देखो, इसकी मस्ती में डूब कर तो देखो, जिंदगी सवर जाएगी आपकी। पीले पीले रे राम नाम रस प्याला, पीले पीले रे राम नाम रस प्याला, पीले पीले रे हरि नाम रस प्याला, पीले पीले रे
बच्चे हरि का नाम रस प्याला पीले पीले रे हरि नाम रस प्याला पीले पीले रे हरि नाम रस प्याला खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है और फिर भरी में फिल्में आवाज लगाई जाती है ओ पी लो वो यहाँ मुफ्त पिलाई जाती है यहाँ मुफ्त पिलाई जाती है यहाँ तो केवल फ्री में वाली चीज मिलने वाली है कोई पैसा नहीं लगता है इसलिए जितने पी जाओ राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे तो बोलना तो चाहेगा मगर बोल नहीं पाएगा कहते हैं राम नाम लेना तो चाहेंगे लेकिन अंतिम समय में राम नाम मुख से निकलता नहीं है कोशिश तो कोई तो अपनी लड़कियों को याद करता है कोई अपने बच्चों को वो अमेरिका रहता है उसको बुला लो वो मुझे बहुत प्रिय है कोई याद नहीं आता परिवार वाले याद आते हैं भगवान को फिर भी भूल जाते हैं इतने जीवन में समझने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं समझ पाते इसलिए एक ही ध्यान रहे हर क्षण याद रहे भगवान का ध्यान केवल काम करते रहो नाम लेते रहो ये प्यारा
भगवान का दर्शन करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आंखों से आंख होते हुए भी कुछ दिखाई देता ही नहीं है। लोग कहते हैं दिखाई देता है, मैं नहीं मानता हूँ। सब आंख होते हुए भी अंधे हैं, क्योंकि इन आंखों से दिखाई देता तो रात को भी दिखना चाहिए था। इसका मतलब बल्ब लाइट से प्रकाश जो होता है, सूर्य भगवान हमको दिखा रहे तो दिखाई दे रहा है। नहीं, अगर दिखाई देता तो चश्मे की आवश्यकता पड़ती? बताओ, चश्मा लगाए बैठे, चश्मा हटा तो कुछ दिखाई नहीं देगा। जिनके टेस्ट हो जाता है, नहीं दिन में तो दिखाई देगा, रात को नहीं दिखाई देगा। देगा बताओ? नहीं देगा। इसलिए चश्मा दिखाई, चश्मे जो चश्मा दिखा रहा है वो देख रहे हैं आप, आंखों से कुछ नहीं दिखता। और अंदर की जो आंखें हैं, दर्शन तो उसी से होता है। यहाँ बैठे बैठे अपने घर के दर्शन कर सकते हैं, बैठे बैठे भगवान का भी दर्शन, वृंदावन धाम अपने अंदर यही दिखाई दे जाएगा। इन आंखों से नहीं, आंख बंद करके, इन आंखों को बंद करो, अंदर की खोल लो तो दिखाई देगा। इसलिए कहा है, हर दर्शन कर डाला भक्तो, हर दर्शन कर डाला हो, हर दर्शन कर डाला भक्तो, हर दर्शन कर डाला। चाहते हैं वो ही श्रेष्ठ है। भगवान ईश्वर के कितने अवतार हुए? तब उन्होंने कहा, भगवान जो ईश्वर ने अवतार लिए हैं उनके बारे में जरा विस्तार से और बताएं। उन्होंने कहा, भगवान के 23
अवतार हो चुके हैं और 24वां अवतार कल्कि के रूप में होगा। एक कुंवारी कन्या जो ब्राह्मण के यहाँ होगी, उसके गर्भ से जन्म लेकर के घोड़े पे सवार होके तलवार लेके निकलेंगे तो दूर किलोमीटर तक उनके शरीर से महक आएगी और अत्याचारियों का विनाश करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार भगवान के 24 अवतार के बारे में बताया। तब उन्होंने कहा, शास्त्र का सार क्या है? सागर में गागर भरने वाला है शास्त्र का सार, हम तुम्हें बताते हैं। और सबसे बड़े जो शास्त्र है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण कैसे और किसने लिखा? तब उन्होंने कहा कि वो भी बताएंगे। कथा को मोक्ष, कथा सुनकर मोक्ष देने वाला सबसे बढ़िया साधन है श्रीमद् भागवत कथा। भगवान चठा प्रसन्न और रह गया है। भगवान के अवतार धर्म की रक्षा के लिए होते हैं, फिर वह पृथ्वी से चले क्यों गए? धर्म किसकी शरण में गया? तब उन्होंने कहा कि जब जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो भगवान कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश कर गए थे। तभी उद्धव ने कहा कि स्वामी आप तो जा रहे हैं, हमें किसकी शरण में छोड़ के जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलूंगा। तब उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग के लोगों का कल्याण करने वाला है, क्योंकि कलयुग में लोगों की जो धारणा होगी उसको बचाने का सिर्फ एक ही मात्र साधन है और वो है श्रीमद् भागवत कथा। कलयुग में लोग आजकल कैसे कैसे हैं कि काहू की जो सुनहि बड़ाई, सांस लेत जन जो जुड़ आई। जब दूसरे की बड़ाई सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि न जाने क्या हो गया। दूसरे की बड़ाई सुन नहीं सकते हैं कलयुग के लोग। जब काहू की देख विपत्ति, सुखी भय मानो जगनपति। और जब किसी के घर में विपत्ति या किसी के घर में कोई घटना हो जाए तो उनको ऐसा लगता है कि मैं ही राजा हो गया। दूसरों के दुख से वो सुखी होना चाहता है। और क्या है महाराज? के झूठ ही लेना, झूठ ही लेना, और झूठ ही भोजन झूठ चवेना। सब कुछ झूठ पर आधारित होगा। और सबसे बड़ा झूठ है मोबाइल। किसी ने फोन किया, भैया कहा हो? मुकेश भाई साहब कहा यार, घर पे ही हूँ। और पता नहीं है घर से बाहर है कि घर ही पे। तो सबसे मेन जो आजकल के समय में झूठ बोलने वाला, बुलवाने वाला, एक मोबाइल। और क्या कहा? सनकादि ऋषियों से पूछा कि किस प्रकार के कलयुग में बचा जाए? तब क्या सतयुग में क्या होता था? सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरहि हर प्राणी। सतयुग के लोग भगवान का नाम स्मरण करने से ही तर जाते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर कर हवन करते थे, वो भगवान को समर्पित कर देते थे। भैया द्वापर में क्या है कि द्वापर करे रघुपति पद पूजा, नर भगवत रहे उपाय न पूजा। क्या है
जाए कि द्वापर में श्री हरि के चरणों की पूजा करें और इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है कि कलयुग में महाराज कलयुग जोगन जग्यन ध्याना एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में कुछ मत करो, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सोते जागते उठते बैठते कहीं भी जा रहे हो, हरि के नाम का सुमरण अपने चिंतन में करते रहिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। कलयुग में आपको वर्षों तक तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हरि के नाम का सुमरण करने की आवश्यकता है। आज के समय में बफर सिस्टम जो प्रारंभ हुआ है उसमें हमारी अन्नपूर्णा माँ का बहुत अपमान होता है, क्योंकि लोग जब खाने के लिए बैठते हैं तो खाते कम है बिगाड़ते ज्यादा है। उस पर हमारी संस्था काम करती है, हम लोग भी उसमें जाते हैं। संडे का हमारा विशेष प्रोग्राम रहता है, हमें कई होटल भोजन देते हैं। उन झुंगी झोपड़ी में जो रहने वाले गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार हैं, और जहाँ शादियाँ होती हैं, जो भोजन स्वच्छ भोजन बच जाता है उसके लिए ऑर्डर आते हैं, वो भी उन गरीबों तक हम पहुँचाते हैं। क्योंकि अन्न का दाना फेंकने की बजाय किसी के पेट में पड़ जाए, जहाँ उनको सुबह खा लिया तो संध्या का पता नहीं है और संध्या को खा लिया तो सुबह का पता नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं। तो भोजन भी बनाते समय आजकल हम फिल्मी गाने चलाते हैं, फिल्मी गाने की बजाय भगवान के अगर भजन चला करके भोजन बनाया जाए तो वही भोजन प्रसाद के रूप में हो जाता है। इस प्रकार उनके 6 प्रश्न के उत्तर देकर के व्यास जी द्वारा समझाया गया कि और कोई अगर शंका हो तो उसे भी हम आपको बता सकते हैं। तभी नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, आप चिंतित क्यों बैठे हैं, इतना मुख उदास क्यों है? तब नारद जी ने कहा कि पहले मैं तुम्हें अपने पूर्व चरित्र, पूर्व जन्म का चरित्र बताता हूँ कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरे गांव में कुछ संत चतुर्मास करने के लिए आए हुए थे, तो वहीं जाकर मेरी माँ भोजन बनाती थी और मैं भी अपनी माँ के साथ हाथ बटाता था, और वहीं से जो मिल जाता हम माँ बेटे दोनों अपना पेट भर लेते। लेकिन जब समय हो जाता है, क्योंकि जब हम 7 दिन हम आप ही साथ में रहेंगे तो जुड़ाव हो जाता है, तो नारद मुनि का संतों के साथ ऐसा जुड़ाव हुआ कि उनके बिना भोजन पानी कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता। एक छोटा बालक जैसा माँ करती है वैसा ही बालक करता है, तो नारद जी अपनी माँ के साथ में वैसे ही संतों की सेवा करने लगे। और जब समय पूरा हुआ तो नारद जी कहने लगे कि आप जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, क्योंकि मेरा मन यहाँ लग नहीं रहा है। तभी उनकी माँ आई और माँ कहने लगी, महात्मन मेरा जा हरी मत